हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अप्रैल 2022 के बेस्ट 100 प्लस करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस किस वैश्विक संस्था द्वारा समर्थित है? आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, शॉर्ट में रैम बोलते हैं, किस वैश्विक संस्था द्वारा समर्थित है? तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है? आंसर क्या होगा? कोंकण रेलवे ने। रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है? तो आंसर क्या होगा? कोंकण रेलवे ने। किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया? तो आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया? तो आंसर क्या होगा? एक्सिस बैंक ने। लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो आंसर क्या होगा? मुंबई। लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो आंसर क्या होगा? मुंबई शहर के लिए। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है? आंसर क्या होगा इसका? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है? तो आंसर होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? UNFPA। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के 1,00,000 से अधिक इंटर्नशिप अवसर शुरू किए हैं? आंसर क्या होगा? EICTE। शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के 1,00,000 से अधिक इंटर्नशिप अवसर शुरू किए हैं? तो आंसर होगा, कौन सा संस्थान है? EICTE। नेक्स्ट आते हैं, MyGOV प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। MyGOV प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? फास्टर, लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? फास्टर, लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से आइडियाथॉन लॉन्च किया? आंसर क्या होगा? सेबी ने। किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से आइडियाथॉन लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? सेबी ने। अच्छा, सेबी की चेयरपर्सन कौन है? जो पहली महिला चेयरपर्सन बनी है उनका नाम है माधवी पूरी बूज। नेक्स्ट आते हैं, मेस आयनक साइट और बामियान के बूथ जो खबरों में रहे किस देश में स्थित है? आंसर होगा अफगानिस्तान। मेस आयनक साइट और बामियान के बूथ जो खबरों में रहे किस देश में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान में। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। किस एशियाई देश ने आर्थिक संकट के विरोध के बीच देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? तो आंसर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट आते हैं, साजिबू नोगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? आंसर होगा मणिपुर का। साजिबू नोगमा पनबा किस भारतीय राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? तो आंसर क्या होगा? मणिपुर का। कौन सा भारतीय अरबपति देश में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर है? तो उनका नाम क्या है? फाल्गुनी नायर। कौन सा भारतीय अरबपति देश में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में टॉप पे है? तो आंसर होगा फाल्गुनी नायर। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 के अनुसार अब दुनिया में 124 सेल्फ मेड अरबपति है, जो पिछले साल की तुलना में 6 कम है, और 3 भारतीय महिलाएं शामिल है, नायका की फाल्गुनी नायर, बायोकॉन की किरण मजुमदार सौ और जोहो की राधा वेम्बू।
नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? तो उस वेबसाइट का नाम है प्रसारण सेवा पोर्टल, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? प्रसारण सेवा पोर्टल। नेक्स्ट आते हैं, सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाना है? तो कौन सा शहर है? कोझिकोड। सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में किस भारतीय शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरों से कवर किया जाना है? तो आंसर क्या होगा? कोझिकोड। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का थीम क्या है? तो आंसर क्या होगा? सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। और कब मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस? 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2022 का थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19 और ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया योजना की देखरेख करता है? आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया योजना की देखरेख करता है? तो आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, वित्त मंत्रालय स्टैंड अप इंडिया स्कीम की देखरेख करता है जिसका एम उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों श्रेणियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू करने में मदद मिल सके। तो इसका एम है, जो स्टैंड अप इंडिया योजना है, इसका उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों श्रेणियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है ताकि उन्हें ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू करने में मदद मिल सके। नेक्स्ट आते हैं, गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? राजस्थान में। गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? विनय मोहन क्वात्रा। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा विनय मोहन क्वात्रा को। रिकी केज और फाल्गुनी शाह हाल ही में किस पुरस्कार के विजेता है? तो आंसर होगा ग्रैमी अवार्ड के। रिकी केज और फाल्गुनी शाह हाल ही में किस पुरस्कार के विजेता है? तो आंसर होगा ग्रैमी अवार्ड के। प्रकृति, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने के लिए शुभंकर है? तो आंसर क्या होगा? प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण के क्षेत्र में। किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर होगा स्वीडन ने। किस देश ने हाइड्रोजन जलाकर ग्रीन स्टील का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो आंसर होगा स्वीडन। नेक्स्ट आते हैं, वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? तो आंसर होगा रशिया की। वैगनर ग्रुप किस देश की एक निजी सैन्य कंपनी है? तो आंसर क्या होगा? रशिया। 2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? आंसर क्या होगा? आवर प्लेनेट, आवर हेल्थ। 2022 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या है? आवर प्लेनेट, आवर हेल्थ। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमी अपडेट रिपोर्ट जारी की? तो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक ने। किस संस्थान ने ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट जारी की? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। वर्ष 2021-22 में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात द्वारा कौन सा मील का पत्थर हासिल किया गया है? तो आंसर क्या होगा? 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। वर्ष 2021-22 में भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात द्वारा कौन सा मील का पत्थर हासिल किया गया है? तो आंसर होगा 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का।
सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष है अश्विनी वैष्णव जी। नेक्स्ट आते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिल को शामिल करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, एक्सो प्लेनेट K22016 BLG 0005 LV जो हाल ही में खोजा गया है, किस ग्रह का एक समान जुड़वा है? तो आंसर क्या होगा? जुपिटर या बृहस्पति का। नेक्स्ट आते हैं, CEEW के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई है? आंसर होगा मिजोरम। CEEW के हालिया अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में किस राज्य में जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई है? तो आंसर क्या होगा? मिजोरम में। नेक्स्ट आते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस संस्थान ने अवसर योजना शुरू की है? तो अवसर योजना किसने शुरू की है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? स्पेस एक्स ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन किस संगठन ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा स्पेस एक्स ने। आरबीआई की हालिया अधिसूचना के अनुसार कार्ड रहित नगद निकासी किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तावित है? तो आंसर क्या होगा? UPI के माध्यम से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। RBI की हालिया अधिसूचना के अनुसार कार्ड रहित नगद निकासी किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तावित है? तो आंसर होगा UPI। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? तो आंसर होगा गुजरात में। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? आंसर क्या होगा? गुजरात में। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आंसर होगा शहबाज शरीफ को। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ को। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? तो आंसर होगा चीन, और दूसरे स्थान पर है भारत। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन है पहले पोजीशन पे, और सेकंड पोजीशन पे भारत है। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड वन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर क्या होगा? गुजरात। नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड वन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंसर होगा गुजरात। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM दक्ष योजना लागू करता है? आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM दक्ष योजना लागू करता है? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? आंसर होगा गुजरात में। उद्घाटन किसने किया था? तो अमित शाह जी ने। नादाबेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। उद्घाटन किया था अमित शाह ने, जो कि हमारे सहकारिता मंत्री भी है। नेक्स्ट आते हैं, हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। हर साल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मेगालिथिक स्टोन जार का पता चला है? तो आंसर होगा असम में। हाल ही में किस भारतीय राज्य में मेगालिथिक स्टोन जार का पता चला है? तो आंसर होगा असम में। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा USA के साथ। भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास
कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या होगा? यूएसए के साथ। नेक्स्ट आते हैं, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो आंसर होगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। मार्च 2022 तक सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या है? तो आंसर होगा 7.6%। मार्च 2022 तक सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर क्या है? 7.6%। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? तो आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लागू करता है? तो आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लिप्रोसी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर भूषण कुमार को। एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया। तो प्रदान किसने किया था? अभी तो 101 वाइस प्रेसिडेंट हो चुके हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। किस भारतीय राज्य ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। भारत मौसम विज्ञान विभाग मानसून की भविष्यवाणी के आधार पर LPA का विस्तार क्या है? देखो, क्वेश्चन में आपसे सिंपल पूछ रहा है ना कि LPA का फुल फॉर्म क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के रिस्पेक्ट में। तो LPA का फुल फॉर्म होगा लॉन्ग पीरियड एवरेज। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? आंसर होगा यूक्रेन से। खबरों में रहा नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत केंद्र कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो 5 साल के लिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत केंद्र कितने वर्षों के लिए विनिर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो आंसर क्या होगा? 5 साल के लिए। खबरों में रहा पॉइजन बिल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर क्या होगा? कंपनी का अधिग्रहण। खबरों में रहा पॉइजन बिल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा कंपनी का अधिग्रहण। किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलुहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो आंसर होगा तंजानिया। हाल ही में खबरों में रही सामिया सुलुहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? तो आंसर क्या होगा? तंजानिया। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? आंसर होगा सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश है? तो आंसर होगा सिंगापुर। पूर्वी तिमोर जिसे समाचारों में देखा गया था, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो आंसर क्या होगा? 2002 में। पूर्वी तिमोर जिसे समाचारों में देखा गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष मान्यता दी गई थी? तो आंसर क्या होगा? 2002 में। अल अक्सा मस्जिद जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, किस शहर में स्थित है? तो आंसर होगा जेरूसलेम। अल अक्सा मस्जिद जिसे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, किस शहर में स्थित है? जेरूसलेम में। नेक्स्ट आते हैं, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी कौन है? तो उनका नाम है मनोज पांडे। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी कौन है? मनोज पांडे। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। और गुजरात में कहाँ? जामनगर में।
भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थित है? जामनगर में। नेक्स्ट आते हैं क्रॉप ईयर 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो आंसर क्या होगा, 328 मिलियन टन का। फसल वर्ष क्रॉप ईयर 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो आंसर क्या होगा, 328 मिलियन टन का। नेक्स्ट आते हैं किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? मेटावर्स का मतलब होता है आभासी दुनिया, तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना ने। किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? तो आंसर क्या होगा, तेलंगाना। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स का आयोजन करता है? तो आंसर क्या होगा, भारतीय तट रक्षक। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोल रेक्स का आयोजन करता है? तो आंसर होगा, भारतीय तट रक्षक, इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट आते हैं किस केंद्रीय मंत्रालय ने नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 कार्यक्रम की मेजबानी की? तो आंसर क्या होगा, मेटलर्जी से संबंधित है, तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील या इस्पात मंत्रालय। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वाक्सीर वितरित की? आंसर क्या होगा, मझगांव डॉक ने। किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वाक्सीर वितरित की? तो आंसर क्या होगा, मझगांव डॉक ने। कौन सा शहर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का मेजबान है? तो आंसर होगा, गांधीनगर। कौन सा शहर ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का मेजबान है? तो आंसर होगा, गांधीनगर। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में चालू किया गया है? तो आंसर होगा, असम में। भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में चालू किया गया है? तो आंसर क्या होगा, असम में। भूटान और सिंगापुर के बाद NPCI ने UPI आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है? तो आंसर होगा, UAE में। भूटान और सिंगापुर के बाद NPCI ने UPI आधारित भुगतान की पेशकश करने के लिए किस देश में विस्तार किया है? तो आंसर होगा, UAE में। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? आंसर होगा, इन्वेस्ट ऑन आवर प्लेनेट। अर्थ डे 2022 का विषय क्या है? इन्वेस्ट ऑन आवर प्लेनेट, और मनाया कब जाता है, 22 अप्रैल को। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किन इकाइयों और व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट को, जिले, कार्यान्वयन इकाइयां, इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स और केंद्रीय या राज्य संगठन को। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार किन इकाइयों और व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा, जिले, डिस्ट्रिक्ट को, कार्यान्वयन इकाइयां, इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स और केंद्रीय और राज्य संगठन को। नेक्स्ट आते हैं हाल ही में खबरों में रहा गंगा क्वेस्ट 2022 किस मिशन के तहत आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर होगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर यूनिसेफ इंडिया के साथ किस संस्था ने भागीदारी की? तो आंसर होगा, नीति आयोग ने। बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों पर यूनिसेफ इंडिया के साथ किस संस्था ने भागीदारी की? तो आंसर क्या होगा, नीति आयोग ने। नेक्स्ट आते हैं नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुमन बेरी, पूरा नाम है सुमन के बेरी। और CEO कौन है नीति आयोग के? परमेश्वरन अय्यर। तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन बेरी, पूरा नाम है सुमन के बेरी। और जो CEO है उनका नाम क्या है? परमेश्वरन अय्यर। ऊर्जा प्रवाह जिसे हाल ही में शामिल किया गया था किस सशस्त्र बल का जहाज है? तो आंसर होगा, भारतीय तट रक्षा का, इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट आते हैं इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? तो आंसर होगा, मालदीव से। इंडिया आउट अभियान किस देश से संबंधित है? मालदीव से। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज
किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया में। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज किस देश में स्थित है? तो आंसर क्या होगा, साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया में। हाल ही में खबरों में रहा नाकागिन कैप्सूल टावर किस देश की ऐतिहासिक इमारत है? तो आंसर होगा जापान में। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ था? तो इसे कोलैप्स किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, किस बहुराष्ट्रीय समूह ने एक सहयोगी वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D सेंटर लॉन्च किया है? तो कौन सा समूह है? ब्रिक्स। किस बहुराष्ट्रीय समूह ने एक सहयोगी वैक्सीन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया है? तो आंसर होगा ब्रिक्स ने। CCEA ने किस वर्ष तक सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड राइस के वितरण को मंजूरी दी? तो आंसर क्या होगा, 2024 तक। CCEA ने किस वर्ष तक सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड राइस के वितरण को मंजूरी दी? तो आंसर क्या होगा, 2024 तक। नई किताब द मैवरिक इफेक्ट किस भारतीय संस्थान के गठन का वर्णन करती है? तो आंसर क्या होगा, नैसकॉम। नई किताब द मैवरिक इफेक्ट किस भारतीय संस्थान के गठन का वर्णन करती है? तो आंसर होगा नैसकॉम। और इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है हरीश मेहता द्वारा, जो कि नैसकॉम के सह संस्थापक और पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक का मेजबान कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 2022 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक का मेजबान कौन सा राज्य है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। रायसीना डायलॉग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस क्षेत्र में एक सम्मेलन है? तो फॉरेन पॉलिसी के लिए विदेश नीति। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा संस्थान अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO। कौन सा संस्थान अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आयोजित करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। हाल ही में खबरों में रही अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जल निकायों का कायाकल्प इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अमृत सरोवर पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जल निकायों का कायाकल्प। त्रिपक्षीय विकास निगम फंड किस देश की एक नई राजनयिक पहल है? तो आंसर क्या होगा, भारत की। त्रिपक्षीय विकास निगम फंड किस देश की एक नई राजनयिक पहल है? तो आंसर क्या होगा, भारत। नेक्स्ट आते हैं, खबरों में रहे कुरील द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? तो आंसर होगा जापान और रूस का। खबरों में रहे कुरील द्वीप समूह पर किन देशों का दावा है? जापान और रूस का। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिप्री डेटा में भारत का रैंक क्या है? तो आंसर होगा तीसरा। 2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर सिप्री डेटा में भारत का रैंक क्या है? तो आंसर होगा तीसरा। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और हॉस्पिटेलिटी फेयर आतिथ्य मेले आहार 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। किस संस्थान ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? तो आंसर क्या होगा, नीति आयोग ने। किस संस्थान ने इनोवेटिव एग्रीकल्चर पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन किया? तो आंसर क्या होगा, नीति आयोग। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा, मालदीव के साथ। भारत ने किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा, मालदीव के साथ। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में 7 रोपवे परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। वित्त वर्ष 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? तो आंसर होगा 13.5 मिलियन टन। फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत से तैयार स्टील का कुल निर्यात कितना है? तो आंसर क्या होगा, 13.5 मिलियन टन। नेक्स्ट आते हैं, डिजिटल इंडिया RISC
माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर बनाना और किस वर्ष तक सिलिकॉन और डिजाइन जीत हासिल करना है, तो आंसर होगा 2023 तक। नेक्स्ट आते हैं, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है, तो आंसर होगा स्ट्रीट वेंडर, सड़क विक्रेताओं पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी है स्ट्रीट वेंडर्स। नेक्स्ट आते हैं, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो खबरों में रहा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट आते हैं, स्पेशल 301 रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में रही किस देश द्वारा जारी की गई है, तो आंसर होगा अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा। लैंडिंग के दौरान गगन उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है, तो आंसर होगा इंडिगो। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है गगन क्या है, तो उपग्रह आधारित सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन प्रणाली है, और इसका उपयोग करने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन सी है, तो आंसर क्या होगा इंडिगो। कौन सा संस्थान क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जारी करता है, तो आंसर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। कौन सा संस्थान क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे जारी करता है, तो आंसर होगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। 2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयक कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर क्या होगा हर्षवर्धन श्रृंखला को। 2023 में भारत द्वारा आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हर्षवर्धन श्रृंखला को। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने घोषणा की कि छात्र 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकते हैं, तो आंसर होगा UGC ने। किस संस्थान ने घोषणा की कि छात्र 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकते हैं, तो आंसर होगा UGC ने। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2022 रिकजाविक ओपन टूर्नामेंट जीता, तो आंसर होगा R प्रज्ञानंदा। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2022 रिकजाविक ओपन टूर्नामेंट जीता, तो आंसर होगा R प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट आते हैं, किस शहर ने देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा मुंबई ने। किस शहर ने देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा मुंबई ने। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी और जैव ईंधन बायोफ्यूल के लिए एक गठबंधन विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है, तो आंसर होगा ब्राज़ील के साथ। भारत ने हाल ही में ब्राज़ील के साथ जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी और बायोफ्यूल के लिए एक गठबंधन विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली ने UNWSIS पुरस्कार 2022 में चैंपियन प्रोजेक्ट पुरस्कार जीता है, तो आंसर होगा मेघालय ने। किस राज्य की ई प्रस्ताव प्रणाली ने UNWSIS पुरस्कार 2022 में चैंपियन प्रोजेक्ट जीता है, तो आंसर क्या होगा मेघालय ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, नैसकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा कृष्णन रामानुजम को। नैसकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कृष्णन रामानुजम, 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए। और उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2022-23 के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम ID प्रतीक_IQ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।